जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है तो आज हम बनाएंगे कान्हा जी का फेवरेट भोग मेवा पाक, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए कान्हा जी के लिए उनका फेवरेट भोग बनाते हैं। मेवा पाक बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। मैंने आधी कटोरी बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और एक कटोरी मेलन सीड, जिसे कि हम खरबूजे के बीज भी कहते हैं, आधी कटोरी पम्पकिन सीड, जिसे कद्दू के बीज भी कहते हैं, एक कटोरी मखाने, एक कटोरी कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, आधी कटोरी गोंद, दो कटोरी चीनी और तलने के लिए देसी घी लिया है। अब एक कढ़ाई में एक टेबलस्पून घी डालकर मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें बादाम, काजू और पिस्ता डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये क्रंची हो जाए। हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी घी में किशमिश डाल देंगे। इसे ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, बस 10 से 20 सेकेंड फ्राई करेंगे और इसे तुरंत निकाल लेंगे। अब इसी घी में मखाने डाल देंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसमें क्रंची टेक्सचर आ जाए। मखाने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। ठंडे होने पर ये और क्रंची हो जाएंगे। अब कढ़ाई में 1 से 2 टेबलस्पून घी डालकर इसे मेल्ट कर लेंगे। हमें घी को ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है। अब इसमें गोंद डाल देंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे वरना गोंद ऊपर से तो रंग दे देगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। गोंद अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसे भी निकाल देते हैं। अब इसी घी में मेलन सीड और पम्पकिन सीड डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। सीड घी में फ्राई होते वक्त थोड़ी सी चटकते हैं और थोड़ी सी झाग छोड़ देते हैं। सीड ने अपना हल्का हल्का कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें कद्दूकस के हुए नारियल डाल देंगे और करीब 1 मिनट और फ्राई कर लेंगे। मेवा पाक की मिठाई बहुत टेस्टी बनती है, ये पर्सनली मुझे बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको भी लगती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा मिक्सचर अच्छे से फ्राई हो गया है, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब इसमें किशमिश ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फुल मखाने ठंडे होने पर काफ़ी क्रंची हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हाथ से आसानी से टूट रहे हैं। अब इसे पॉली बैग में डालकर दर दरा कूट लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से भी पीस सकते हैं। अब काजू, पिस्ता, बादाम और गोंद को पॉली बैग में डालकर दर दरा कूट लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी में पल्स मोड पर दर दरा पीस सकते हैं, लेकिन हमें ड्राई फ्रूट का पाउडर नहीं बनाना। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अच्छे से अदरदा कूट गया है। इसमें कुछ मोटे मोटे ड्राई फ्रूट हैं जो कि मेवा पाक में बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इसे मिश्रण के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी चीनी ली है। अब इसमें जितनी हमने चीनी ली है उसके आधे से थोड़ा कम पानी डाल देंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना। अब गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और इसे लगातार हिलाते रहेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है। हमें इसे लगातार हिलाते रहना है ताकि चीनी नीचे तले के साथ चिपके नहीं। चीनी अच्छे से घुल गई है, अभी इसे 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे जब तक कि इसमें एक ताक की चाशनी नहीं बन जाती। अब इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे जिससे मेवा पाक में बढ़िया खुशबू आती है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी चाशनी चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं उंगलियों पर लेने पर ये एक ताक की चाशनी बन रही है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक मिक्स करना है जब तक कि ड्राई फ्रूट चाशनी को अच्छे से सोख नहीं लेते हैं या फिर ये जमने की कंसिस्टेंसी तक नहीं आ जाता। अभी चाशनी थोड़ी थोड़ी अलग दिख रही है, अभी हम इसे 30 से 40 सेकंड और पका लेंगे। ड्राई फ्रूट ने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, चाशनी और ड्राई फ्रूट अलग अलग नहीं नज़र आ रहे। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब प्लेट पर थोड़ा सा घी लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि जब पाक के पीस निकाले फिर आसानी से निकल सके। अब मिश्रण को इसमें डालकर अच्छे से फैला लेंगे और स्पैचुला या चम्मच की मदद से इसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। हमारा मावा पाक ठंडा हो गया है, अब इसे पीसेस में काट लेते हैं। मेवा पाक आप सिर्फ जन्माष्टमी पर ही नहीं बल्कि किसी भी व्रत या भगवान को भोग लगाने के लिए बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट होते हैं जो कि काफ़ी हेल्दी होते हैं। व्रत में इसे खाने से दिन भर एनर्जी बनी रहती है। पीसीस को आप अपने मनपसंद के किसी भी शेप में काट सकते हैं। आप इसे स्क्वायर, रेक्टेंगल या डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। अब हम इन पीसेस को प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर पाक की पीसेस निकालने में दिक्कत आ रही हो तो आप प्लेट को गैस पर स्लो फ्लेम पर हल्का सा गर्म कर ले, इससे पीसेस आसानी से निकल जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक पीस कितना बढ़िया लग रहा है, हर पीस ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है। हमारा कान्हा जी के लिए भोग बनकर तैयार है, तो मैं चली से कान्हा जी को भोग लगाने, तो आप भी इस जन्माष्टमी पर इसे बनाइए और कान्हा जी को भोग लगाए। जय श्री कृष्णा।